रसोई गैस की कीमत में 50 रुपये की वृद्धि किए जाने के मुद्दे पर मिशन स्टेटहुड के प्रधान सुनील डिंपल की अगुवाई में आज जम्मू में जोरदार प्रदर्शन किया गया। सुनील डिंपल ने इस मौके पर कहा कि सरकार महंगाई पर अंकुश लगाने में नाकाम सिद्ध हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं। सुनील डिंपल ने कहा कि लगातार बढ़ रही महंगाई से आम जनता काफी परेशान है। जीएसटी के दायरे में लाओ, जीएसटी के दायरे में लाओ, पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करो। केंद्र सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने एलपीजी गैस की कीमतें 50 रुपए सिलेंडर और बढ़ा दिए हैं। अभी पिछले हफ्ते 50 रुपए बढ़ाया था, इन 3 महीनों में 400 रुपया कीमत सिलेंडर की बढ़ा दी है। गरीब लोगों की कमर टूट गई है और बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में आज जानीपुर हाई कोर्ट रोड के ऊपर प्रदर्शन किया है और एलपीजी गैस की कीमतें कम करने की मांग को लेकर के हाथ खड़े करके ये सभी लोग मोदी जी ये दायर कर रहे हैं अपना विरोध कि आप एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस को जीएसटी के दायरे में लाएं, वरना जम्मू कश्मीर के लोग अब की बार आपको कोई वोट नहीं डालेंगे। महंगाई की मार से मर रहे हाथ पूरा देश, त्राही त्राही मची हुई है। इसलिए आज एलपीजी गैस के सिलेंडर को हम कंधों पे वो हटा करके ये हाथ उठ खड़े करके ये संदेश भेज रहे हैं कि आप एलपीजी, पेट्रोल, डीजल को जीएसटी के दायरे में लाए और बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर काबू करें। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.